आज हम कक्षा 3 का कार्य पत्र करेंगे। सो बच्चों, आज का कार्य पत्र 10 मार्च का है और ये क्रम संख्या 43 है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कहानियों का, ये है दादी की कहानियां। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी मजे से वर्कशीटों को कर रहे हैं। तो बच्चे, हम सभी जो है अपनी दादी माँ से कहानियां सुनते हैं, उनकी कहानियां कुछ प्राचीन कालों की होती हैं। तो आइए आज की कहानी को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की कहानी आप लोगों की घमंडी सांप। तो एक जंगल में एक सांप रहा करता था। वह रोज गांव में आकर लोगों को डराता था। ऐसे करके सांप को बहुत आनंद आता और वह घमंड करता कि वह कितना ताकतवर है। सांप जो था उससे लोग परेशान हो जाते, और जो लोग थे वो बहुत ही उससे परेशान हो चुके थे। अब क्या होता जब लोग उससे इतने परेशान हो चुके थे, तो उसका कुछ उपाय भी करते। तो सपेरे ने कहा कि कल वह इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब सांप आता है तो क्या होता है, तो जो सभी लोग थे, जितने भी हमारे लोग होते हैं, वो सांप को देखकर क्या कहते हैं कि जब गांव वाले में सांप आया तो सभी गांव वाले डर के भागने लगे। सपेरा तभी आता है और एक बड़ी सी टोकरी लेकर वहां खड़ा हो जाता है। सांप जैसे ही उसके पास आता है, सपेरे ने टोकरी उस पर रख दी। अब सांप डर गया और सपेरे से कहने लगा, मुझे छोड़ दो, अब मैं गांव कभी नहीं आऊंगा। सपेरे ने उस पर दिया और उसे जाने की इजाजत दे दी। अब सांप जंगल में ही रहा करता और कभी गांव लौट कर नहीं आया। तो इस तरह से कहानी थी एक घमंडी सांप की, जिसको एक जो अजीवित मटका था उसी ने हरा दिया और वो डर कर कभी भी गांव वापस नहीं आया। तो बच्चों, क्या हमें घमंड करना चाहिए, आज का क्वेश्चन है। तो नहीं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हैव अ नाइस डे।